हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार विद निधि। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद नायका हॉल। सो अभी आप सबको पता ही होगा कि अभी नायका पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स आ रही है, डील्स आ रही है। अभी जस्ट नायका पिंक सेल गया है और अभी फिर विंटर क्रिसमस सेल आया हुआ है। सो मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, काफ़ी अच्छे रेंज में आपको नॉर्मल टू हाई रेंज के प्रोडक्ट्स डिस्काउंट्स पे मिल जा रहे हैं। काफ़ी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छी प्राइस से मिल जा रहे हैं और काफ़ी हाई रेंज वाले प्रोडक्ट्स में आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जा रहे हैं। सो ऐसे तो मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं सब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने नायका पिंक सेल से लिया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला कुछ फैमिली इशूज़ के कारण, सो मैं नहीं बना पाई। सो मैं सारे प्रोडक्ट क्रिसमस सेल में भी लिए हैं और फिर मैंने पिंक सेल में भी लिया था, तो मिक्स में एक नायका हॉल ही करने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स नायका के ही, जिसमें मैंने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स इन सबको मैंने बाय किया। सेल में आपको हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ऑफ मिल रहा था और सारे प्रोडक्ट्स में भी ऑफ मिल रहा था, बट हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा वीडियो नायका हॉल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इस डब्बे में है, मैं आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगी। सो मैंने सबसे पहले लिया है ये मामा अर्थ का ओनियन, ये दिख रहा होगा आपको, मामा अर्थ का ओनियन शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर ऑयल। मैं तीनों में यूज़ कर रही हूँ, हेयर ऑयल तीनों यूज़ कर रही हूँ। ओनियन वाला, ये मामा अर्थ का ओनियन वाला प्रोडक्ट है जिसमें कोकोनट भी मिक्स है और लिटरली ये हेयर फॉल सच में बहुत कंट्रोल करता है। सच में मैंने इससे पहले वाओ का यूज़ किया था, वाओ का भी अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट मुझे मामा अर्थ ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है उससे ज़्यादा बेटर है वाओ से, और वाओ थोड़े बाल को रफ बना देता है, बट ये बिल्कुल मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट सच में लिटरली बालों को बिल्कुल रफ नहीं बनाता है और ये आपके बाल में काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, साइन ही बनाता है एंड हेयर फॉल लिटरली सच में अगर आप रेगुलर यूज़ करो तो कंट्रोल होगा। बट हाँ, ये आप तीनों चीज़ ऑयल भी यूज़ करो, उसी का शैम्पू यूज़ करो, उसी का कंडीशनर यूज़ करो, तब आई थिंक क्या मैंने ट्राई किया है और सच में मेरे जो इस साइड के बाल है ना बहुत निकल गए थे, बट काफ़ी मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा। अगर वाओ के बाद मैंने कोई शैम्पू यूज़ किया है तो ये मामा अर्थ का, और इसके सारे प्रोडक्ट्स, सबसे अच्छी बात मामा अर्थ की ये होती है ना कि इसके सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी नेचुरल होते हैं, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये सल्फेट फ्री भी हैं, बालों को काफ़ी अच्छे से नरिश करता है और ये काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, आपके बाल को हार्श नहीं बनाता है, काफ़ी सॉफ्ट बनाता है, आपके रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप वन बाई वन तीनों का अगर आप फॉलो करो तो आपको काफ़ी अच्छा इफेक्टिव, काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये मेरा थर्ड, आई थिंक ये मेरा थर्ड बॉटल है, ये मैं थर्ड बॉटल यूज़ कर रही हूँ उसका। सो काफ़ी कंट्रोल होगा और आपका बाल भी काफ़ी स्मूथ रहेगा, रफनेस नहीं आएगी। बहुत सारे शैम्पूज में होते हैं ये केमिकल्स नहीं होते हैं तो बाल काफ़ी रफ हो जाता है, बट मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और आप सबको पता ही है मामाअर्थ के प्रोडक्ट ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसका ये और सब रेंज तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये वाला रेंज मैंने ट्राई किया और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। दूसरा मैंने लिया है ये ये लोटस का सनस्क्रीन, और ये आपको SPF 50 है, मैट लुक का वाइल कंट्रोल है और ऐसे भी सन्स प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी लोटस का ये काफ़ी अच्छा है, और इसमें इसका SPF 50 है सो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है। मैंने ये मेरा सेकंड बॉटल है, मैंने इससे पहले भी बॉटल यूज़ किया हुआ है। इस सारे सनस्क्रीन होते हैं जो काफ़ी आपके स्किन को चिपचिपा बना देते हैं या फिर काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं, बट इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी जेल फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, तो एकदम जेल टाइप का है, बहुत लाइट है और आप इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और इसमें इसके प्रोडक्ट्स भी नेचुरल है। में जो हम धूप में बैठते हैं वो काफ़ी हमारे फेस को काफ़ी इफेक्ट करता है, सो विंटर समर्स में तो हम सनस्क्रीन यूज़ करते ही हैं, बट हमें विंटर में भी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आप एक बार इसको ट्राई करो और ये आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा सन से। ओके, मैंने ये निविया का बॉडी लोशन लिया है, ये आपको निविया का दो बॉडी लोशन आता है, एक नॉर्मल वाला आता है और ये सन प्रोटेक्शन बॉडी लोशन। ये स्पेशली आप
फेस को जैसे आप प्रोटेक्ट करते हो सनस्क्रीन से, वैसे ही आप इसको प्रोटेक्ट करो। हाँ एक बात और बता दूँ कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं सबके प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं आपके सबके प्राइस आपको नीचे मेंशन कर दूँगी, बता दूँगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट कितने में लिए हैं। आपको टिप दूँगी आप इसे फेस पे मत अप्लाई करना, इसे आप बॉडी पे अप्लाई करना, ये काफ़ी इफेक्टिव है। जैसे आप फेस को प्रोटेक्ट करते हो वैसे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करो तो सही रहेगा। अगर आप ऐसे तो नॉर्मल हमारी बॉडीज ढके हुए रहते हैं विंटर में, बट अगर आप बीच वगैरह पे जा रहे हो या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आप ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हो, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इसका भी SPF 50 है, जैसे मैंने वो लोटस का दिखाया है उसका SPF 50 है, वैसे इसका भी SPF 50 है। सो काफ़ी अच्छा है ये, आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर करता है। मैं सबकी प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगी और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे इन तीनों कॉम्बो के साथ मुझे मामा अर्थ का फेस सीरम भी मिला है। ऐसे तो टी ट्री जो सीरम होते हैं वो फेस पे पिगमेंटेशंस जो होते हैं उनके लिए या दाग धब्बे जिनके फेस पे होते हैं उनके लिए काफ़ी ये इफ़ेक्टिव रहता है, और एक्ने पिंपल्स की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ऐसे मैंने कब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्राई मतलब फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी। और इसके ऐसा ट्यूब मिला है, ऐसे खोल के इसके ट्यूब से आप यूज़ कर सकते हो। सो उसके साथ मुझे काफ़ी अच्छी सीरम मिल काफ़ी अच्छी मुझे सीरम मिल गई। और आपको सेल्स में कुछ ना कुछ आपको मिलते ही रहता है, तो ये भी फ़ायदा है सेल का, इंटर सेल है, आप क्रैप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी डील पे। ये लिया था मायोटेक का कुकुम्बर फेस टोनर, ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये आपके फेस को काफ़ी रिफ्रेश फील। टोनर्स तो बहुत सारे टोनर्स आते हैं, बहुत सारे फ्रेग्रेंस के आते हैं, बस ये कुकुम्बर का है। और इसके सबसे दो तीन बेनिफिट्स है, पहले बेनिफिट है कि ये पूरा आपको आयुर्वेदिक कुकुम्बर का है, तो काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट है इस पर, और बायोटेक के सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी नेचुरल होते हैं, तो आई थिंक पिंपल्स होने का कोई चांस नहीं बनता है। नॉर्मल टू वेल स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और आपको ये आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक है तो ये आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और काफ़ी इफेक्टिव रहता है। अगर आपके फेस पे अगर ये काम नहीं करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, तो कोई बात ही नहीं है, इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद मैंने ये लिया था पैक का ब्यूटी ब्लेंडर, काफ़ी आपको छोटा छोटा काफ़ी छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है ये, आईज़ के नीचे ऐसे ऐसे डैप करने के लिए मैंने लिया था। थोड़ा महंगा तो पड़ा था ये, मुझे प्राइस ठीक से याद नहीं है, मैं डाल दूँगी साइड में, बट काफ़ी क्यूट से है ये, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, और पैक का है तो पैक के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो ये था मेरा प्यारा सा, ये मैंने लिया नायका, और मुझे देखते जैसे मुझे बहुत ही क्यूट लगा ये, कोई बात नहीं मैं इस पर पैसे स्पेंड कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत आईज़ में अंडर आई मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नायका के तीन लिपस्टिक लिए थे, एक तो और ये है गर्ल गैंग, और ये थोड़ा सा डार्क शेड है, एक मिनट ये आपको दिख रहा है, ये रोज कलर में है, डार्क रोज कलर शायद उसी टाइप से कुछ कलर है, ये डार्क कलर है, और इसको अगर मिक्स करके भी आप लगाओ तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं ऐसे मैंने बहुत सारे नायका के लिपस्टिक्स लिए हैं, नायका के लिपस्टिक्स का हॉल बनाऊंगी और मैं अच्छे से अप्लाई करके आपको दिखा दूंगी। ये था मेरा नायका हॉल जो मैंने कुछ पिंक सेल में लिया था, कुछ क्रिसमस सेल में लिया था। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को मेरा ये नायका हॉल अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को मेरा ये हॉल अच्छा लगा हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, टेक केयर।